दोस्तों नरेंद्र मोदी अज भारत देश के दे दूजी वार के प्रधानमंत्री हैं, पर एक समा ऐदा का भी सी जदों नरेंद्र मोदी नू आपदी जान बचाउण लई भेस बदलने पए सी। अज भी नरेंद्र मोदी किसी ना किसी स्पीच विच बोलते दिख जाएंगे, जिस विच ओह इंदिरा गांधी वल्लों लाई एमरजेंसी का जिक्र करते हैं अते कहिंदे हन कि मैं एक सिख का भेस बना के जेल जाण तों बच गया सी। इह नरेंद्र मोदी की उस समय की फोटो है जिस विच ओह एक सिख के भेस विच हन अते मोदी के करीबी भी इस भेस विच पहचान नहीं सी पाए कि इह कौन है। देवांगे पूरी जानकारी इस बारे के किवें नरेंद्र मोदी नू एक सिख का भेस बनाउणा पिया अते किवें ओह जेल जाण तों बच गए सी। वीडियो शुरू करन तों पहलां एक बेनती, जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें हो तां चैनल नू सबसक्राइब अते वीडियो नू लाइक जरूर करियो, क्योंकि इह तुहाडे लई तां फ्री है पर साडी इस नाल बहुत मदद हुंदी है। इह गल है सन 1975 दी, जदों उस समें दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वल्लों पूरे देश ते एमरजेंसी ला दित्ती जांदी है। 26 जून 1975 दी सवेर जदों देशवासियां दी नींद खुल्ली तां रेडियो ते एक ही आवाज़ चल रही सी कि पूरे देश ते एमरजेंसी ला दित्ती गई है। आजाद भारत विच इंदिरा गांधी वल्लों लाई यह एमरजेंसी एक काले दौर वजों जानी जाती है, क्योंकि इस दौर विच इंदिरा गांधी ने चोणां ते पाबंदी नागरिकां दे मौलिक अधिकार तक खोले सी अते कोई भी सरकार खिलाफ बोलता तां उसनूं सीधा ही जेल विच सुट्टिया जाण लगा। किसी भी तरह का कोई भी धरना या प्रदर्शन नहीं, इत्थों तक कि विरोधी पार्टियां दे लीडरां नूं भी जेल विच सुट्टना शुरू कर दिता। सौखे शब्दों विच कहीए तां उस वेले पूरी तरह इंदिरा गांधी दी ही मनमानी चल रही सी। जिथे इंदिरा गांधी ने विरोधी पार्टियां दे लीडरां नूं गिरफ्तार करवाया, उत्थे ही आपदी कांग्रेस पार्टी दे लीडर जिवें मोहन धारिया अते चंद्र शेखर नूं भी गिरफ्तार करवाया, क्योंकि उन्होंने इस एमरजेंसी का विरोध किया सी। पर उस समय एक 25 साल का नौजवान पुलिस ते सरकार नूं चखमा देण विच कामयाब हो गया सी। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी दी, जो उस समय RSS दे एक आम जिहे प्रचारक दे रूप विच काम कर रहा सी। इंदिरा गांधी ने उस वेले कई धार्मिक अते राजनीतिक संस्थावां जिस विच RSS भी शामिल सी उस ते भी पाबंदी ला दित्ती अते RSS दे लीडर फड़ने शुरू कर दिते। पर नरेंद्र मोदी एक सिख का भेस बना के करीब 20 महीनों तक पुलिस नूं चखमा देंदे रहे। उस समय नरेंद्र मोदी एक सिख के भेस विच इन्ना असली लग रहे सी कि यह पहचानना मुश्किल सी कि यह कोई सचमुच ही सिख है जां कोई होर। सिर ते सोहनी दस्तार सजा के अते दाढ़ी ते जाली ला के नरेंद्र मोदी एक असल सिख की तरह लग रहे सी। अते यही कारण सी कि उस वेले नरेंद्र मोदी नू कोई भी पहचान नहीं सी पाया अते ओह जेल जाण तों बच गए सी। इत्थों तक कि ओह भेस बदल के दिल्ली दी जेल विच जनसंघ दे लीडरां नाल मुलाकात भी करदे रहे, पर किसे नू पहचान नहीं सी आई कि उन्हां अगे एक RSS दा प्रचारक खड़ा है। उस वेले नरेंद्र मोदी दा ओहदा RSS विच एक प्रचारक तों वध के कुछ नहीं सी, पर नरेंद्र मोदी दा काम वड्डे वड्डे लीडरां विचकार मैसेंजर दा सी अते बैन कीते होए लिटरेचर नू लोकां तक पहुँचाना सी। नरेंद्र मोदी वल्लों अंडरग्राउंड रह के इस तरह दीआं कीतीआं गतिविधियां करके ओह एक वड्डे लीडर दे रूप विच उभरे। जदों पूरे देश विच्चों एमरजेंसी नू खत्म कर दिता जांदा है तां उस वेले मोदी भी RSS विच एक अपना नाम बना पाए सी, क्योंकि मोदी उस वेले भेस बदल के अलग अलग थावां ते बैठकां करदे अते सरकार खिलाफ छपिया लिटरेचर लोकां तक पहुँचाते। इन्हां कामां करके ही नरेंद्र मोदी लोगों दीआं नज़रां विच आउण लगे सी। 1975 विच नरेंद्र मोदी एक सिख का भेस बना के जेल जाण तों बच गए सी, पर अज दे दिन तक नरेंद्र मोदी BJP पार्टी वल्लों भारत दे प्रधानमंत्री हन अते इसे BJP पार्टी दे IT सैल वल्लों सिखां दा मजाक बनाया जांदा है। जदों किते भी मौका मिलता है ओह इसे पग दा मजाक बनाउण विच कोई कसर नहीं छड्डदे। अज भावें नरेंद्र मोदी कई बार पग बन के लोकां सामने आउंदे हन, पर उन्हां दी ही पार्टी दे एक IT सैल वल्लों की कुछ कीता जांदा है शायद इस ते ध्यान देना ओह जरूरी नहीं समझदे।